प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने शुक्रवार को हनुमंत्या में चतुर्थ जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत के 35 कार्यों का शुभारंभ किया, जिनमें 20 कार्यों का लोकार्पण और 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, पूर्व सांसद अरुण यादव और मांधाता विधायक नारायण पटेल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 43 करोड़ रुपये से अधिक लागत के इन 20 कार्यों का लोकार्पण हुआ। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। जल महोत्सव में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इस क्षेत्र का दौरा करा जाए और ये एक बहाना मुझे मिला जल महोत्सव का उद्घाटन करने में। इसका क्या मायने है? महा उत्सव हम मना रहे हैं, जल महोत्सव मना रहे हैं, ये कैंप लगे हैं, ये पर्यटक के हम विभिन्न साधन और योजनाएं लाने का हम प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसका क्या मायने है? इसका मायने बहुत सरल है कि हमारा क्या लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश का। हम रोजगार की बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें, हम पर्यटक की बात करें, पर सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा मध्य प्रदेश में है कि हम आर्थिक गतिविधि कैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधि से ही हमारे नौजवानों का हमारे आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।